दोस्तों भारत और श्रीलंका की टीम के बीच एशिया कप का मैच खेला जा चुका है और इस मैच में श्रीलंका ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया था। और जब भारतीय टीम की तरफ से केएल राहुल और रोहित शर्मा ओपनिंग बल्लेबाजी करने उतरे तो भारतीय टीम को पहला झटका ही 6 रन के स्कोर पर महेश टिकसेना ने देकर केएल राहुल को आउट कर दिया था और राहुल बस 6 रन बनाकर आउट हुए थे। तो वहीं इसके बाद अगले ही ओवर में दिलशान मधुशंका ने विराट कोहली को आउट कर दिया और कोहली अपना खाता नहीं खोल पाए थे। जहां इस मैच में कप्तान रोहित काफी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्होंने इसके बाद केवल 32 गेंदों का सामना करने के बाद अपने 50 रन पूरे कर लिए थे। तो वहीं इसके बाद सूर्य कुमार यादव के साथ मिलकर उन्होंने तीसरे विकेट के लिए 97 रनों की पार्टनरशिप कर ली थी और भारतीय टीम की स्थिति पूरी तरह सुधार दी थी। लेकिन तभी 110 रन के स्कोर पर रोहित शर्मा छक्का जड़ने की कोशिश में चमिका करुरत्ने की गेंद पर आउट हो बैठे और रोहित 41 गेंदों में 72 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर आउट हुए थे। वहीं इसके बाद 119 रन के स्कोर पर धासुन संका ने सूर्य कुमार यादव को भी आउट कर दिया था और सूर्य कुमार 34 रन बनाकर आउट हुए थे। जहां इसके बाद ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या भारतीय टीम की पारी को संभाल कर आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन तभी 149 रन के स्कोर पर धासुन संका ने हार्दिक पांड्या को भी आउट कर दिया था और पांड्या 17 रन बनाकर आउट हुए थे। वहीं इसके बाद अगले ही गेंद पर धासुन संका ने दीपक हुड्डा को भी आउट कर दिया था लेकिन वो बॉल नो बॉल निकल गई थी। लेकिन दीपक हुड्डा अगले ही ओवर में दिलशान मधुशंका की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो बैठे और हुड्डा 3 रन बनाकर आउट हुए थे। और इसके बाद इसी ओवर में दिलशान मधुशंका ने ऋषभ पंत को भी आउट कर दिया था और पंत 17 रन बनाकर आउट हुए थे। जहां इसके बाद आखिरी में आकर अश्विन ने शानदार बल्लेबाजी करी और इस वजह से भारतीय टीम का स्कोर पूरे 20 ओवर खेलने के बाद 173 रन तक पहुंच पाया था 8 विकेट के नुकसान पर। और अश्विन इस मैच में 7 गेंदों में 15 रन बनाकर नॉट आउट रहे थे। तो वहीं श्रीलंका की तरफ से दिलशान मधुशंका को 3 विकेट हाथ लगी। तो वहीं करुरत्ने और धासुन संका ने 2-2 विकेट चटकाए थे। तो वहीं अब श्रीलंका की टीम को ये मैच जीतने के लिए 174 रन बनाने थे। और जब इसके बाद श्रीलंका की टीम टारगेट का पीछा करने उतरी तो उनकी शुरुआत इस मैच में काफी धमाकेदार अंदाज में रही थी, क्योंकि पतुम निसंका और कुशल मेंडिस ये दोनों ही बल्लेबाज आज के मैच में काफी विस्फोटक पारी खेल रहे थे और भारतीय टीम को पूरी तरह बैक फुट पर ढकेल दिया था। जहां पतुम निसंका ने तो 33 गेंदों का सामना करने के बाद अपने 50 रन पूरे कर लिए थे और इन दोनों बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए ही 97 रनों की बेहतरीन पार्टनरशिप कर ली थी, जहां ये पार्टनरशिप बहुत ही खतरनाक हो चुकी थी भारतीय टीम के लिए। लेकिन तभी 97 रन के स्कोर पर युजवेंद्र चहल ने श्रीलंका को बैक टू बैक 2 झटके देकर पतुम निसंका और चरित असलंका को आउट कर दिया था। जहां पतुम निसंका 52 रन बनाकर आउट हुए और असलंका अपना खाता नहीं खोल पाए थे। लेकिन एक तरफ कुशल मेंडिस अभी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्होंने इसके बाद 33 गेंदों का सामना करने के बाद अपने 50 रन पूरे कर लिए थे। लेकिन तभी 110 रन के स्कोर पर अश्विन ने घंटी लगा को आउट कर दिया और वो 1 रन बनाकर आउट हुए थे। और इसके बाद अगले ओवर में युजवेंद्र चहल ने श्रीलंका को चौथा बड़ा झटका देकर कुशल मेंडिस को आउट कर दिया और मेंडिस 37 गेंदों में 57 रन बनाकर आउट हुए थे। जहां इसके बाद भनुका राजपक्षे और धासुन संका ने अच्छी बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका की पारी को संभाल लिया था और आखिरी ओवर में श्रीलंका को ये मैच जीतने के लिए केवल 7 रन बनाने थे। और आखिरी ओवर हर्षदीप डालने आए थे, जहां हर्षदीप सिंह ने आखिरी ओवर में अच्छी गेंदबाजी करी। लेकिन श्रीलंका की टीम ने ये मैच आखिरी ओवर की 5वीं गेंद पर 2 रन भागकर जीत हासिल कर लिया और श्रीलंका की टीम ये मैच 6 विकेटों से जीती है। और इसी के साथ भारतीय टीम ने अपने सुपर फोर का दूसरा मुकाबला भी हार चुकी है।